भट साहब जनाब तुसा तंजीम तलक है अपना तारुफ कराओ कुछ है नहीं हो मैं जनाब कोटली सो कॉल्ड आजाद कश्मीर ना आजाद पता है उसकी कहीं आखने हाले तक मिगी समझ को नहीं आई उम्र है 58 साल मी नहीं पता लगा आजादी घड़ी लभी असकी तंजीम जनाब जिंदगी ने बड़ा अरसा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाल गुजारिया एक चेयरमैन को रजे तो दुए के थमे तो दुए ने करतूत तके तो रजी गए वह छोड़ो इसने जान तो बनाई नवी पार्टी ना कश्मीर नेशनल पार्टी जिसना मंशूर अगराज़ो मकासद एग्जैक्ट हुए हैं जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने और इंशाल्लाह उन पर प्रैक्टिकली अमल कर सा आज ऐसा ब्रसल तो सारा इंटरव्यू की नहीं दिया ब्रसल विच एक कॉन्फ्रेंस हुई है इस कॉन्फ्रेंस ने बारे विच क्या कमेंट है तुसा ने क्या कॉन्फ्रेंस और तुसा ने इसनी कंट्रीब्यूशन किया सर जिथे तक इस कॉन्फ्रेंस का तल्लक है अनफॉर्चुनेटली जड़ी बम्बे बम ब्लास्ट हुए उसकी वजह ना इतने पार्टिसिपेंट वो इस साथ नहीं कि नहीं सके जड़ा ना होना चाहिए सी लेकिन इसके बावजूद अगर रेजोल्यूशन वगैरह देखो वो चीज़ा के वे कड़ी चीज़ा कश्मीरी करी तो आपस मुतहद भी रही सकने उन्होंने फ्यूचर नहीं बेहतरी भी हो सकनी और किस तरीके आज़ादी तरफ भी जाई सकने वो सब तो बड़ा जड़ा इसलिए मसला बनता है वो टेरोरिज्म ना कि टेरोरिज्म की असा अपने इलाके चू आजाद कश्मीर हुआ है या मकबूजा कश्मीर हुआ है ये हुआ है जो वो हुआ है गिलगित बलोचिस्तान उस असा टेरोरिज्म के किस दफा कर सकने टेरोरिज्म ऐसी बीमारी है ना जिसने इस वक्त दुनिया पनपना रहना मुमकिन नहीं है टेरोरिज्म जिथे भी उसी ना उस मुल्क की इकानमी रही सकनी ना लोगों ने जिंदगी महफूज रह सकनी ना लोगों ने इज्जत महफूज रह सकनी ना कोई दीन और दुनिया महफूज रही सकनी अक्सर लोग जो टेरोरिज्म एक सेक्सी वर्ड है टेरोरिज्म एक छुरी पिया लेकिन जी स्टेट टेरर करनी है मसलन इस वेला कोई गोली नहीं चलनी वैली में ठीक है इंडियन फौज जी है लोगों को जोर है वोट पानी और जरा टेरर करनी है उसने बारे गल नहीं हुई उसने बारे क्या व्यू है सर मैं कोई दो हफ्ते पहले टेरोरिज्म पर एक आर्टिकल लिखा से मेरे नज़दीक टेरोरिज्म तीन किस्म ने एक ना इंडिविजुअल टेरोरिज्म एक ना ग्रुप टेरोरिज्म एक ना स्टेट टेरोरिज्म जिसकी आने ना इंडिविजुअल टेरोरिज्म यानी टेरोरिज्म बेसिकली है कि किसी भी इनोसेंट इंसान के बगैर किसी वजह तो मारना टेरोरिज्म है तो जरा इंडिविजुअल टेरोरिज्म जरा कसी दो मासी चार मासी छे मासी ऊपर नहीं जाई सकना तो जरा ग्रुप टेरोरिज्म 15-20-30 मारी सट सी वर्ष दुनिया थू ज्यादा है जरा टेरोरिज्म जरा स्टेट टेरोरिज्म आके जसा तक मत कारपोरेट बम्बिंग की गई हजारा ने साहब लोग मारे इसे तो अफगानिस्तान ही तक को कारपोरेट बम्बिंग होनी पी हजारा मरने पे वादी ने भी यह हाल है मतलब ये जो स्टेट टेरोरिज्म है दुनिया का सब तो वर्स्ट टेरोरिज्म है मतलब जितना नुकसान टेरोरिज्म स्टेट टेरोरिज्म पहुंचाई रहा ना इंडिविजुअल नहीं पहुंचाने दी गल है कि तुसा रहे हो ब्रिटेन विच जी बरतानिया तुसा ही समझे जाला वे तुसा पाकिस्तानी हो या इंडियन हो तुसा कश्मीरी कोई नहीं मनना और तुसा आने हो कि मैं सारी जिंदगी जड़ी है ना कश्मीरी पॉलिटिक्स कीती है तो तुसा उसने से क्या कम करी रहे हो तुसा ने क्या ख्याल होता है आइडेंटिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और होनी चाहिए तो तुसा उसने से क्या करी रहे हो पहली गल तो है जनाब कि असा आइडेंटिटी वास्ते ऑलरेडी कंपेन शुरू कीती हुई और तुसा भी पता अदालत साहब के तुसा ने आखने पसंद उस बेसिकली असा चूंकि लिबरेशन फ्रंट रहे असा तुसा भी उस दौरे च ऐसे हो आइडेंटिटी ने कंपेन असा तुसा ने शुरू की बेशक को मुकम्मल तौर पर नहीं होगी लेकिन फिर भी वर्ल्ड फुटबॉल काउंसिल ने कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिन्हों पर इंडियन पाकिस्तानी ते कश्मीरी लिखे आया इसलिए भी मैं उसको प्रूव भी दे सकने लेकिन जिथे कि साड़ी जात ना तलक है ये आखना भी असंक अफसोस लगना कि असं कि कम अज कम यूके कोई दुनिया ने बंदा पाकिस्तानी नहीं आखना क्योंकि असं कदा आखन ही नहीं दिता आप कि लेकिन साढ़े भैन भ्रा हैं जिन्हें कि आखिया जाना जो कि कश्मीरी हैं कश्मीरी ओरिजिन हैं उसी कसूरवार में आखने असं लोग हैं जिन्हें पार्टियां तो बनाई तालीम भी हासिल कितना इन्होंने यूनिवर्सिटी अच्छी पढ़े हैं लेकिन वो अपने भैन भ्रा जो मजदूर सन अनपढ़ सन उन्होंने असं ना समझाई सके बेसिकली कि भाई कश्मीरी एक मुख्तलिफ चीज़ है और पाकिस्तानी एक मुख्तलिफ चीज़ है पाकिस्तान के असा कोई गालियां तो देने कोई ना लेकिन असं पाकिस्तानी चूके नहीं है पाकिस्तान ने आई ना आखना कि असं पाकिस्तानी नहीं है तो जो पाकिस्तान आईन आखना असं पाकिस्तानी नहीं है तो उसने खिलाफ से गल करसा तो उसने आईन के खिलाफ गल होने तो गद्दार हो सर पाकिस्तान ने भी गद्दार हो जाने या जो पाकिस्तानी असं पाकिस्तानी आखने वो आपू गद्दार होने अपने आईन ने जब उन्हें आईने से लिखा है भाई कि हाल तस्वीर तल मामला आ इस पर अमल बाद फिलहाल असं पाकिस्तानी कोई ना सो आखिरी तो सर क्या मैसेज है बंदे मैसेज जनाब मैं अपने कश्मीरी वतन के इतना ही आखसा कि भाई टेरोरिज्म मिसाइल हल नहीं करनी बंदूक ने एक रोल ऐसी बंदूक अपना रोल प्ले किया हूँ वेला आया दुनिया ने जितनी भी आजादी तंजीम उन्होंने बंदूक ने एक रोल रहा लेकिन सारी जिंदगी नहीं रहा एंड पर टेबल पर भी बैठे
आपस ही गठे होवो तो तंजीम गठिया करो तो एक जबान हुई हिंदुस्तान तो पाकिस्तान दोनों को आजादी मांगो तो जी कुल मंगसो जे ये आजाद कश्मीर दो मकबूजा है फिर नहीं गल दो मकबूजा नहीं उस चीज़ से उस आजादी लिए नहीं तो मुश्किल है। थैंक यू।